हेलो गाइज वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स विष्णु सूर्य प्रोजेक्ट्स लिमिटेड आईपीओ का आज डे फोर का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस जीएम लिस्टिंग कितना मिलेगा अप्लाई करना चाहिए आपने इन सभी पॉइंट्स को चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं आईपीओ उन्तीस सेप्टेम्बर को ओपन हुआ था पांच अक्टूबर को क्लोज हो रहा है आज के दिन फोर्टी नाइन पॉइंट नाइन एट करोड़ का फिक्स प्राइस इशू आईपीओ फ्रेश इशू किया जा रहा है और लिस्टिंग होने जा रहा है एन एस सी एस ए पे जो कि बारह अक्टूबर का डेट रखा गया है सिक्सटी एट रुपीज़ पर शेगी प्राइस बैंड टू थाउजेंड शेयर्स की लॉट साइज खंडवाला सिक्योरिटीज लिमिटेड लीड मैनेजर और कैमियो कॉर्पोरेट रजिस्ट्रार और निकुंज स्टॉक ब्रोकर मार्केट मेकर है प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू एट्टी एट पॉइंट सेवन फोर परसेंट का है और आफ्टर अलॉटमेंट सिक्सटी टू पॉइंट टू फोर परसेंट की होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगी अगर हम बात करें इस कंपनी में सब्सक्रिप्शन का तो यहाँ पे देखिए अदर्स में 2.57 पॉइंट टाइम का सब्सक्राइब किया गया ओवर तो है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं लेकिन रिटेल में 19.37 टाइम्स का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन है टोटल टेन पॉइंट नाइन टाइम्स का अराउंड अप्रॉस इलेवन टाइम की सब्सक्रिप्शन है स्ट्रॉग देखने को मिला है जी एम का ट्वेंटी की लिस्टिंग मिलने के चांस है लिस्टिंग भी एक अच्छी मिल रही है अब बात करें कि अप्लाई करना चाहिए आपने देखिए बिजनेस जो है नाइन्टी सिक्स सिक्स में इनकॉर्पोरेट किया गया था जो कि रफ स्टोन्स का माइनिंग करती है और एग्रीग्रेड्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है और मैनुफैक्चर सैंड को जो है सो मैनुफैक्चर सैंड भी करती है जो कि आ, क्रशिंग प्लांट्स और सैंड वॉशिंग प्लांट्स का यूज़ करके तीन बिजनेस वर्टिकल्स है पहला ई जिसमें कंपनी डाइवर्स रेंज के कैपेबलिटीज़ को जो कि प्रॉपर्टी डेवलपमेंट में और रियाल्टी इंडस्ट्री में जैसे ऑफर करता है जैसे कॉमर्शियल मिक्सड डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन आईटी एंड इंस्टीट्यूशनल स्पेस डिटेल जो कि मॉल्स हो गया फिर ऑफिसे इंडस्ट्रियल पार्क्स हो गया रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स लग्जरी विलाज रिजॉर्ट्स फैक्ट्रीज वेयर हाउसेस स्टेडियम्स एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर्स इंटरटेनमेंट और इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन और ब्राउन फील्ड डेवलपमेंट जैसी कंपनी सो चीज़ें जैसे कंपनी ऑफर करता है ई सेक्टर में सर्विस सेगमेंट में प्लस यहाँ पे दूसरा है माइनिंग करती है एग्रीग्रेड्स का और मैनुफैक्चर सैंड का प्रोडक्शन करती है जो कि यहाँ पे कंपनी ओन और ऑपरेट कर रहा है दो कैरीज का तमिलनाडु में फर्स्ट है ब्लू मेटल माइनिंग कैरी जो कि क्रशिंग फैसिलिटी के साथ 105 एकड़ से फैला हुआ है ये फैसिलिटी जो है पूरी तरह से हैंडल करता है एंटायर रॉक को ब्रेक करने में और रॉक ऑगरिंग ऑपरेशन करती है और क्रशिंग मशीन क्रशिंग मशीन भी यहीं पे है जो कि कैपेबल है टू हंड्रेड फिफ्टी टन पर आर का आउटपुट प्रोड्यूस करना और हंड्रेड टन का सैंड वॉशिंग को जो है सो प्रोड्यूस करना इसका कैपेबल है गिवन पॉइंट और इन टाइम में और जो टाइम दिया था उसमें टाइम में और सेकंड एग्री सेकंड जो है ना ये एग्रीगेट्स और एग्रीगेट्स uh, है जो कि uh, साथ में सैंड यूनिट का मैनुफेक्चर सैंड यूनिट भी यहाँ पे है और ये जो है पूरी तरह से इक्विप्ड है सभी क्रशिंग मशीन कैप के साथ जो कि कैपेबल है 350 टन और 150 टन के सैंड वॉशिंग का हैंडल करने का जो कि गिव जो टाइम दिया जाता है उसमें और फैसिलिटी पूरी तरह से ये चेन्नई से 100 किलोमीटर जो है लोकेट है और थर्ड एड ड्रोन्स और अन आर्म्ड एरियल व्हीकल्स का कंपनी को क्लास वन कॉन्ट्रैक्टर भी दिया गया गया है डिपार्टमेंट और, और एजेंसी के साथ जो कि यहाँ पे सी सी से और फिर गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट से तमिलनाडु वाटर सप्लाई ड्रेनेज बोर्ड से और हाईवे डिपार्टमेंट परसुट से जो कि डिपार्टमेंट से इन सभी से जो क्लास वन कॉन्ट्रैक्टर के जो सम्मान दिया गया, गया इसके कारण ये कंपनी जैसे जो कि डिपार्टमेंट और एजेंसी से जो मतलब कि प्रोजेक्ट वगैरह आता है निकलता है टेंडर निकलती है तो उसमें ये कंपनी पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट लेने में एलिजिबल हो चुका है इन सभी क्लास वन कॉन्ट्रैक्टर होने के कारण फिनाशियल देखिएगा तो ट्वेंटी वन में सिक्सटी थ्री पॉइंट नाइन करोड़ का रेवेन्यू है प्रॉफिट टू पॉइंट टू करोड़ का ट्वेंटी टू में नाइन्टी सिक्स करोड़ का रेवेन्यू है प्रॉफिट है ट्वेंटी वन पॉइंट फाइव करोड़ का ट्वेंटी थ्री में वन हंड्रेड थर्टी थ्री करोड़ का रेवेन्यू है सेवेंटीन पॉइंट थ्री करोड़ का प्रॉफिट है कंपनी का फिनांशल ट्वेंटी टू तक अच्छी ग्रोथ है लेकिन ट्वेंटी थ्री में बॉटम लाइन में थोड़ा सा सफर किया डाउन देखने को मिला लेकिन टॉप लाइन में अच्छी ग्रोथ देखने को मिला है लेकिन अगर हम बात करेंगे इस ऑब्जेक्टिव का तो कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फंड करना चाहती है लोन उसका रिपेमेंट करना चाहती है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस लिए लाइफ लाया गया तो ओवरऑल कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन करती है और उससे रिलेटेड सर्विस सेगमेंट में बिजनेस कर रही है टॉप लाइन में अच्छी ग्रोथ हुआ बॉर्डर में थोड़ा सा सफर किया ट्वेंटी थ्री में अदरवाइज ट्वेंटी टू तक अच्छी ग्रोथ देखने को मिला था अभी लेकिन पॉजिटिव साइन ये क्या है कि कंपनी के पास अभी के अराउंड रिसेंट में वन हंड्रेड सिक्सटी वन से भी ज़्यादा करोड़ का जो सौ ऑर्डर ऑन हैंड अभी कंपनी के पास है जो कि इस कंपनी की बहुत बड़ा सपोर्ट दे रही है तो अगर ट्वेंटी थ्री करने के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड रीजनेबल रखा गया तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जी एम पी भी अच्छी चल रही तो आप लिस्टिंग भी के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो हम लोग जो है वीडियो को कहीं परेजेंट करते हैं अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पुछे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में बाय